आई एम रियली इन शॉक कि आपने कैसे गेस कर लिया. हैट्स ऑफ. यू आर प्लानिंग बेबी इन 6 months. सो दिस अजम्पशन इज, मुझे भी नहीं पता, एक सेकेंड मुझे पूछना पड़ेगा. आपकी लव विद अरेंज मैरिज है. सो फाइनली गाइज, हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल सीजल सिंह. मैं हूँ सीजल और आज मैं आप सबके लिए फिर से एक चिट चैट वीडियो लेकर आई हूँ. अभी रिसेंट में मुझे चिट चैट वीडियोस करना बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है. सो आई एम प्लानिंग कि मैं हर वीक एक चिट चैट वीडियो विथ सम मेकअप लुक लेकर आऊँ. तो यस, मैंने आज ये वाला मेकअप लुक क्रिएट किया है. एंड आई नो यू गाइज आर इंटरेस्टेड फॉर द अजम्पशंस विच यू मेड एंड वेदर इट्स ट्रू, हाफ ट्रू और फॉल्स, वो मैं आप सबको विथ एक्सप्लेनेशन बताने वाली हूँ. सो यस, आप ये वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना. और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे बिग फैट थम्स अप दे देना. एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड. आई विल क्विकली स्प्रे फिक्स प्लस और मैंने स्किन केयर कर लिया है बिकॉज आई नो नो बडी इज इंटरेस्टेड. ओ गॉड, मेरे मुंह में चला गया स्प्रे. सबको जानना है अबाउट द अजम्पशंस. सो बस ये फिक्स प्लस स्प्रे कर लिया मैंने क्विकली. ओ गॉड, आप सबने इतने खतरनाक भयंकर अजम्पशंस किए हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो पहला अजम्पशन मैं लेती हूँ इज बाय करिश्मा. इट्स न्यू सेटअप, आई थिंक यू शिफ्टेड न्यू होम. ओके, पहले मैं फाउंडेशन ले लेती हूँ. मैं साथ ही साथ मेकअप भी करने वाली हूँ. तो पहले अजम्पशन के बारे में मैं बोलना चाहूंगी, भाई आप लोग तो ग्रेट हो. कैसे पता चल जाता है आप सबको, मुझे समझ नहीं आता. यस, इट्स ट्रू दैट आई हैव शिफ्टेड. सो आई हैव शिफ्टेड इन द सेम बिल्डिंग क्योंकि मुझे एक स्टूडियो स्पेस चाहिए था. तो इंस्टेड मैं दूसरी जगह जाकर फ्लैट वगैरह लूँ रेंट पर, उससे बेटर हमने सोचा कि हम लोग सब लोग ही एक साथ जाते हैं एंड एक मेरा स्टूडियो रूम होगा. सो दिस इज 4 BHK रूम और जिसमें मेरा एक पर्सनल स्टूडियो स्पेस है. तो यस, आई लव दैट थिंग और मैं इसे काफ़ी टाइम से सजाने की कोशिश कर रही हूँ. बट अभी फिलहाल एक यही कॉर्नर है जो यू नो सजा हुआ है, अदरवाइज बहुत ही मेस्ड अप है. इधर पे, वहाँ पे, सब जगह बहुत मेस्ड अप है. ऑल्सो मैंने एक वॉल को पेंट भी किया है. सो उसका मैंने वीडियो बनाया था बट फिर मैंने सोचा कि पेंटिंग वेंटिंग कहाँ से, अचानक मुझे एक दिन शौक आ गया तो मैंने पेंट वेंट खरीद के लेकर आई और मैंने पेंटिंग किया था. वो वॉल काफ़ी छोटू सा वॉल है, रील्स वगैरह शॉर्ट्स पर अच्छे दिखेंगे जब मैं अगर वीडियोस वहाँ पे बनाऊंगी. तो अब तक मैंने एक भी वीडियो वहाँ पे नहीं बनाया है. तो यस 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 भाई साहब, आप लोग तुसी ग्रेट हो यार. आई एम रियली इन शॉक कि आपने कैसे गेस कर लिया. हैट्स ऑफ. चलो आई गो टू द नेक्स्ट अजम्पशन. माई फोन इज डाउन देयर. So the next assumption is you have a very good bond with your in-laws. अब ये कैसे, ये दो लोग के बीच की आंसर है. लाइक ऑफकोर्स मेरे इन-लॉज भी बता सकते हैं और मैं भी बता सकती हूँ कि कैसा हमारा बॉन्ड एंड ऑल है. बट ऑफकोर्स मैं हमेशा ऐसा ही चाहूँगी और मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा बॉन्ड मेंटेन रहे. एंड पूरी कोशिश वो लोग भी करते हैं और मैं भी करती हूँ कि यू नो हम लोग म्यूचुअली हर चीज पर आकर रहे. तो यस, वी ट्राई आवर 100-200% टू मेंटेन गुड बॉन्ड. अब जो नेक्स्ट अजम्पशन है वो नेहा ने किया है, दैट इज यू आर गोइंग टू बी सुपर सक्सेसफुल. अब मुझे नहीं पता दैट आई एम गोइंग टू बी सुपर सक्सेसफुल और नो, बट यस आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू बी सक्सेसफुल, टू बी इंडिपेंडेंट, नॉट टू डिपेंड ऑन एनी वन इन लाइफ फाइनेंशियली. I am really trying my best. But Neha, if you assume this, so thank you so much. And that's a sweet of you of assuming such good things for someone. So thank you so much. All the product links will be in the description box below. So agar aapko kisi bhi product ke bare mein janna hai, to aap definitely description box check kar lo. Because agar main video mein batane logungi, to aap log skip karne logoge, which I don't want, to is video ko pura dekho. Okay, the next assumption is, aap 2 p.m. pe so ke uthte ho, din mein, right? अगर ये सच है तो क्यों आप लेट सो के उठते हो? ओके, आई थिंक इसके बारे में मैंने ही आप सबको बताया था कि मैं दोपहर में 2 बजे उठती हूँ. और जब मैंने ये बताया था ना, तब मैंने रीज़न भी बताया था कि मैं क्यों इतना लेट उठती हूँ. बट इट इज़ नॉट ट्रू एनी मोर, इट्स फॉल्स अजम्पशन. अब मैं जल्दी उठती हूँ एंड जल्दी उठ के मुझे बहुत अच्छा लगता है. मेरे पूरे काम हो जाते हैं दिन में ही. तो यस,
दैट इज द बेस्ट पार्ट. ये मैंने न्यू कंसीलर ब्रश मंगाया था, पैक का 219 ब्रश है, काफी अच्छा है ब्लेंडिंग में, एकदम प्रिसीजन ब्लेंडिंग हो रहा है. सो दिस अजम्पशन इज नॉट ट्रू एनी मोर, इट्स अ फॉल्स अजम्पशन. मैं अब जल्दी उठ जाती हूँ. अब नेक्स्ट जो अजम्पशन है वो है, आप हम लोग के लिए कोई न्यू एक्साइटिंग मेकअप वीडियो शूट कर रही हो आज, विच इज 1000% ट्रू. देखो मैं कर ही रही हूँ ना. सो यस, आई एम शूटिंग दिस वीडियो फॉर यू ऑल, विच इज योर अजम्पशन अबाउट मी विथ माई मेकअप रूटीन. ऑफकोर्स इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी. आई होप आप सबको भी मजा आ रहा है वीडियो. अगर अच्छा लग रहा है अब तक तो इस वीडियो को लाइक कर देना, मुझे ढेर सारा मोटिवेशन मिलेगा और भी अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने के लिए. द नेक्स्ट इज, आप बहुत जल्दी किसी ट्रिप पे जाने वाले हो. Evilize off, 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 off. So it's a false assumption. It's not true. मैं नहीं कहीं जाने वाली हूँ. I really want to go, but अभी कुछ भी ऐसा plan नहीं है. So let's see क्या होता है. Wow, look at that glow. Oh my God. I'm liking it. Oh God, अभी बहुत सारे assumptions पढ़ने बाकी है और मेरा आधा makeup तो हो गया है. चलो, इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग. मैं मेकअप के बाद भी बातें कर सकती हूँ. आई थिंक यू लिव इन गोरेगांव. मुझे भी नहीं पता, एक सेकेंड मुझे पूछना पड़ेगा. बेबी हम लोग गोरेगांव में रहते हैं क्या? नहीं ना. अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करती हूँ. सो नो, इट्स अ फॉल्स अजम्पशन, आई डोंट लिव इन गोरेगांव. नेक्स्ट इज, नेहा आपकी भाभी बनेगी, मतलब छोटी भाभी. निखिल से कुछ तो चल रहा उसका. आई डोंट नो दिस, आई थिंक यू शुड आस्क देम. एंड मुझे नहीं पता, हाउ वुड आई नो. मुझे सिर्फ इतना पता है नेहा इज हिज फ्रेंड एंड या. द नेक्स्ट इज, यू लॉस्ट समवन. सो यस, आई हैव रिसेंटली लॉस्ट माई पेट मोमो, जो मैंने आई थिंक आप सबको लास्ट दो वीडियोज में भी बताया है. तो ज्यादा तो नहीं बोलूंगी मैं उस बारे में, बिकॉज मैंने ऑलरेडी पूरा डीप में उसके बारे में लास्ट वीडियो में बता दिया था. तो यस, आई लॉस्ट माय पेट मोमो, ही वाज अ मार्मोसेट मंकी, ही इज नो मोर, आई मिस हिम. द नेक्स्ट अजम्पशन इज, आप मॉडर्न हो बट रूट्स नहीं भूले एंड लव योर कल्चर. आई डोंट नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडर्न. आई एम जस्ट लिविंग द लाइफस्टाइल व्हिच आई वांट टू लिव. And I'm loving it, touch wood. But yes, I have not forgotten my roots because I love my culture a lot. And हमारे culture हमें अच्छी चीजें ही सिखाते हैं. मुझे ऐसे लगता है वक्त के साथ सबको बदलना चाहिए, क्योंकि देखो जैसे पहले शादियां होती थी तो लाइक औरतें सिर्फ साड़ियां ही पहनते थे, नो नाइट सूट, नो ड्रेसेस एंड ऑल. बट अब मैं जब गांव जाती हूँ ना, तो मैं देखती हूँ जो मेरी जो चाचियां थी जो पहले साड़ीज वेयर करते थे, अब वो लोग ड्रेसेस भी वेयर करते हैं. सो देर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट. तो यस, मॉडर्निज्म को अपनाओ बट अपने कल्चर को मत भूलो, बिकॉज अगर हम ही भूल जाएंगे तो आगे जो पीढ़ी, आगे जो जनरेशन आएंगे, फिर उन्हें तो अपने रूट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा. तो यस, आई थिंक मॉडर्निज्म के साथ अपना कल्चर भी फॉलो करना चाहिए एंड आई डू द सेम. तो यस, इट्स 100% ट्रू. जो नेक्स्ट अजम्पशन है वो है, आई फील दैट यू आर अ ग्रेट लिसनर एंड फ्रेंड, ऑल्सो समवन हु एप्रिशिएट्स द लिटिल थिंग्स इन लाइफ. तो दिस अजम्पशन इज हाफ ट्रू एंड हाफ नॉट ट्रू. यस, ऑफकोर्स आई एम अ ग्रेट लिसनर, बट आई लाइक टू टेल माई स्टोरीज फर्स्ट. मुझे अपना पार्ट पहले बताना होता है, लाइक जो भी कुछ भी एक्साइटमेंट या कुछ भी हुआ है, उदास वाले पल अगर मेरे साथ हुए हैं, तो जब भी मैं अपने फ्रेंड्स को मिलती हूँ एंड वेन वी स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन, मुझे ना हमेशा वो गैप फिल करने की आदत है. लाइक अगर दो लोग हैं और वो लोग यू नो कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो गए, तो आई लाइक टू इनिशिएट थिंग्स. तो आई एम समवन की मुझे, मैं बहुत एक्साइटेड होकर अपने स्टोरीज बताती हूँ और जो भी है मेरे पास बोलने के लिए, मैं वो सब एकदम एक्साइटमेंट में बताती हूँ एंड आई लव टू लिसन. अगर मेरे फ्रेंड्स लोग को कुछ भी हेल्प, एडवाइस या कुछ भी चाहिए ना, सो दे डेफिनेटली कम टू मी, और उनको पता है दैट आई एम गोइंग टू गिव देम बेस्ट एडवाइस इन लाइफ, बिकॉज मैं हर एक पर्सपेक्टिव से सोच के फिर वैसे ही मैं एडवाइस करती हूँ. जो नेक्स्ट पार्ट वॉज, ऑल्सो समवन हु अप्रिशिएट्स द लिटिल थिंग्स इन लाइफ. ट्रू True, true. This is 200% true. I am someone who will appreciate small little things of my own self, also सामने वाले का. For example, मेरे जो भी friends हैं, मैं उनसे example दूंगी, या कोई भी family member भी ले लो. So, अगर मान लो वो लोग ना normal भी ready हुए हैं कहीं जाने के लिए, या normally कुछ भी चीज में, I am someone who will
कॉम्प्लीमेंट एंड अप्रिशिएट देम टू द नेक्स्ट लेवल. लाइक किसी को झाड़ पे चढ़ाने के लिए नहीं ऑफकोर्स, बट यू नो टू गिव दैट सेंस ऑफ एनर्जी, दैट कॉन्फिडेंस थ्रू माई अप्रिसिएशन एंड थ्रू माई वर्ड्स, यू नो. तो मैं आई एम समवन लाइक दैट. अगर वो एवरेज भी रेडी हुआ है ना, बट आई एम समवन वाओ यू लुकिंग सो प्रिटी, लाइक अमेजिंग, बहुत अच्छे लग रहे हो आप, आई एम समवन लाइक दैट, मैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट देती हूँ, तो यू नो एक वो सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस भी आ जाता है वो लोगों में. सो आई लाइक टू डू दैट. अब इसे ऐसे मत समझो कि मैं झूठ बोल रही हूँ या किसी को चने के झाड़ पे चढ़ा रही हूँ, नो ऐसे कुछ भी नहीं है. बट यू नो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट. आई लाइक टू अप्रिशिएट इवन स्मॉल लिटिल थिंग्स इन माई लाइफ, ऑल्सो इन समवन एल्सेस लाइफ. सो नेक्स्ट अजम्पशन इज काइंड ऑफ फनी फॉर मी. सो इट गोज लाइक, आप घूमने नहीं जा पा रहे हो कहीं, तभी परेशान हो आप, तभी आप परेशान होना. सो इट्स हाफ ट्रू एंड हाफ नॉट ट्रू. हाफ ट्रू इसलिए क्योंकि आई लव ट्रैवलिंग और मुझे घूमना फिरना बहुत पसंद है. एंड हाफ इट्स नॉट ट्रू बिकॉज इट्स नॉट दैट कि मैं कहीं बाहर नहीं जा पा रही हूँ इसलिए मैं परेशान हूँ, बट आई एम परेशान फॉर द रीजन कि जो दूसरे लोगों की वजह से मैं कहीं नहीं जा पा रही हूँ. सो दैट इज द रीजन. यस, इट्स हाफ ट्रू एंड हाफ नॉट ट्रू, बट इट्स वेरी फनी ऑफ यू टू ऑब्जर्व दिस थिंग, टू यू नो अज्यूम अबाउट मी. एंड ग्रेट, ओके ग्रेट. मैंने इनसाइड का काजल यूज किया है, इट्स सो पिगमेंटेड एंड इट्स लुकिंग सो ब्यूटिफुल. दिस इज इनसाइड सुपर काजल. सो द नेक्स्ट अजम्पशन इज आपकी लव विद अरेंज मैरिज है. सो फाइनली गाइज, मैं आज आप सबको बता देती हूँ. यस, दिस अजम्पशन इज 100% ट्रू. माई मैरिज इज ब्यूटिफुली अरेंज विद लव. ओके, द नेक्स्ट अजम्पशन इज यू वर प्रेगनेंट. सो दिस अजम्पशन इज नॉट एट ऑल ट्रू. इट्स 100% फॉल्स. आई वॉज नॉट प्रेगनेंट. आई वॉज नेवर प्रेगनेंट. ओके, सो द नेक्स्ट अजम्पशन इज ऑन द सेम लाइन, यू आर प्लानिंग बेबी इन 6 months. So this assumption is also not true. I am not planning baby in next 6 months for sure. So अब तक जो मैंने assumptions लिए थे ना, वो मैंने Instagram पर पूछे थे, तो काफी सारे लोगों ने उस पे बहुत सारे assumptions डाले थे, तो मैंने कुछ कुछ जो पिक किया है वो मैंने आप सबको आंसर दिया. अब जो नेक्स्ट assumptions मैं पिक करूंगी वो सब YouTube कम्युनिटी पोस्ट पर आप सबने मुझे पूछे हैं. तो जो YouTube कम्युनिटी पोस्ट पर पहला assumption है वो काफी ज्यादा बड़ा है, दैट इज बाय समीक्षा 69. फर्स्टली थैंक यू सो मच समीक्षा फॉर टेकिंग आउट टाइम एंड कमेंट करने के लिए. थैंक्स अ लॉट. बेसिकली आई एम योर वेरी ओल्ड सब्सक्राइबर एंड योर फैन टू. थैंक यू सो मच. योर कपल गोल्स आर ड्रीम टू मी. सो बेसिकली माई assumptions आर यू एंड जीजू अर्न्स मनी इन लैक्स. सो आई थिंक इट वुडेंट बी राइट टू आंसर on Jiju's behalf that whether he earns in lakhs or what. I would like to answer about me. So no, this assumption is 200% false. I don't earn in lakhs from YouTube. No. The second assumption is Jiju has so many businesses. So this assumption is half true and half not true, because he doesn't have so many businesses, and also he doesn't own just one business. So yeah. You got your answer. The third assumption of yours is you just completed your studies for reputation in society or as second option in your life without YouTube. So I would like to say this assumption is not true at all, because मैंने society या reputation को सोच के अपना education नहीं complete किया है. जब मैंने YouTube start किया था, I was in my second year of engineering. तो of course मुझे पता था कि YouTube से मुझे you know एकदम ही पैसे नहीं मिलेंगे या फिर मेरा लिविंग तो नहीं हो पाएगा इससे. तो एजुकेशन इज समथिंग दैट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, मुझे करना ही था. और जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया ना, तो मेरे घर वालों को लगा कि अरे अब तो ये यूट्यूब करेगी, अब ये पढ़ाई छोड़ देगी वगैरह वगैरह, बट ऐसा मेरे माइंड में कुछ भी नहीं था. सो आई मेड दैट क्लियर टू देम ऑल्सो कि मैं यूट्यूब तो करूंगी बट पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे खुद के लिए कंप्लीट करना है बहुत कुछ, उससे मुझे बेनिफिट हो सकता है. मेरे एजुकेशन से मुझे नॉलेज मिल रहा है, मुझे जॉब मिलेगा, मैं बिजनेस कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ. मुझे मेरे लिए मेरा एजुकेशन कंप्लीट करना बहुत जरूरी था, एंड मैंने वो किया. नेक्स्ट अजम्पशन इज आप ओरियो को ज्यादा प्यार करते हो और बेला को कम.
नो दैट्स नॉट ट्रू. हाउ कैन समवन आस्क अ मदर कि आप अपने पहले चाइल्ड को ज्यादा प्यार करते हो कि सेकेंड चाइल्ड को. दे बोथ आर माई बेबीज एंड आई लव देम इक्वली. इनफैक्ट बेला अभी आई है और छोटी भी है तो हम लोग उसका एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है बिकॉज शी इज इन दैट एज कि उसका ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है. तो या बट आई इक्वली लव बोथ ऑफ देम. ओके सो जो नेक्स्ट अजम्पशन है इट्स नॉट एन अजम्पशन इट्स दिस और दैट. तो चलो मैं ले ही लेती हूँ बिकॉज उन्होंने इतना प्यार से टाइम निकाल के लिखा है तो मैं उसका आंसर दे देती हूँ. चलो दिस और दैट खेलते हैं. पिज्जा और पास्ता. पिज्जा एनी टाइम. द नेक्स्ट इज सॉल्ट और पेपर. कैन वी डू सॉल्ट एंड पेपर बिकॉज मुझे सॉल्ट एंड पेपर मेरे ऑलमोस्ट सभी आइटम्स में पसंद है. सो सॉल्ट एंड पेपर. मूवी और वेब सीरीज. दीज डेज आई एम लविंग वेब सीरीज. सरप्राइजिंगली आई वॉज नेवर मूवी और वेब सीरीज पर्सन. आई नेवर यूज टू वॉच टीवी बट बहुत रेयरली हाफ एन आवर ऐसे देख लेती थी. बट नाउ आई जस्ट लव यू नो एट 1 AM और मे बी 12 AM की कुछ देखते हैं. अच्छा इंटरेस्टिंग वन एंड हाफ आवर्स देखती हूँ बट कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए. तो यस भाई इसके लिए आई एम मोर इनटू वेब सीरीज नाउ. अगर कुछ अच्छा वेब सीरीज आपने रिसेंट डेज में देखे तो लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो. टी और कॉफी. दिस कुड बी अ डिस्कशन. At times tea and at times coffee, but more nowadays I'm having tea with lots of adrak in it, like बहुत ज़्यादा ginger and you know less sugar tea. तो मुझे वो ज़्यादा पसंद आ रहा है. Dancing or singing, do it means what do you mean? I mean I can't dance right now because I'm just wearing a pretty top, but नीचे मेरा पजामा है. तो singing. मुझे है पता मेरे प्यार मुझे कह रही है ये दासता. मैंने दोनों भी थोड़ा थोड़ा कर दिया ठीक है. लास्ट इज ड्रैंक और लाइट. व्हाट इज दैट. नेक्स्ट अजम्पशन इज यू लव ट्रैवलिंग. आई लव ट्रैवलिंग. मैंने ऑलरेडी आप सबको एक आंसर किया है. नेक्स्ट इज यू अर्न इन 6 digits ऑन एन एवरेज पर मंथ. You need 10,000, 100,000, 10,000 lakhs. No, no, no. This assumption is not true at all. Even I would say I don't even earn in 5 digits now, which is sad. Next assumption is your husband earning not proper but andaze se batao di. I think 3 to 4 lakh. So this assumption is 100% false. It's not true. He doesn't earn 3-4 lakhs. Next चलो मैं lip gloss apply कर लेती हूँ जो मैंने recent अभी share किया था. L18 का lip gloss बहुत ही amazing है guys और बहुत affordable. अगर आपने नहीं लिया है तो ले लो, एक तो ले लो जो आपको पसंद हो. तो यस नेक्स्ट असम्पशन इज आजकल क्या मायके जाके भाभी के हाथ का मस्त मस्त डिशेस मिल रही होगी. तो दिस असम्पशन इज हाफ ट्रू एंड हाफ नॉट ट्रू बिकॉज माय भाभी इज अ वर्किंग प्रोफेशनल तो उन्हें ज्यादा टाइम मिलता नहीं है घर में. एंड ऑफकोर्स वी डोंट एक्सपेक्ट कि वो ऑफिस से आए और वो यू नो खाना वाना बनाए. तो अभी भी खाना आंटी और मम्मी ही मिलकर बनाते हैं. बट डेफिनेटली भाभी जब घर पर होती हैं तो उनसे तो ढेर सारा प्यार मिलता है. वही काफी है हमारे लिए. बहुत अच्छा लगता है जब हम घर जाते. तो अभी यू नो एक फुल ग्रुप है हमारे पास जब हम घर जाते तो मम्मी आंटी भाभी और मैं चारों भी बैठकर इतने गपशप होते इतने हंसी मजाक कॉमेडी होते नजर ना लगे हमारे हंसी मजाक को. अब मायके जाने में मुझे और मजा आता है बिकॉज आई हैव अ पार्टनर इन क्राइम देयर. हनी भी होती है. हाँ हनी भी होती है. द नेक्स्ट अजम्पशन इज यू मैरिड इन यंग एज. यंग एज तो येस ऑफकोर्स आप बोल सकते हो बिकॉज वेन आई बी 50 आई बी यंग. वेन आई बी 55 आई बी यंग. 40s में यंग रहूंगी. बट आई थिंक आई मैरिड एट परफेक्ट टाइम. उससे ज्यादा बेटर टाइम नहीं हो सकता था. जब लगा कि शादी कर लेना चाहिए तब मैंने किया. तो आई थिंक आई वॉज 26. मैंने एज तो कैलकुलेट नहीं किया था तभी. आई थिंक आई गॉट मैरिड एट परफेक्ट टाइम इन लाइफ. वाओ दिस लिप ग्लॉस इज सो ब्यूटिफुल सो पिगमेंटेड एंड आई लव हाउ हाइड्रेटिंग दिस ग्लॉस इज ऑन माई लिप्स. सो माई मेकअप इज डन बट आई थिंक थोड़े और assumptions बाकी है. तो चलो मैं जल्दी से वो assumptions ले लेती हूँ एंड मैं आंसर कर देती हूँ आप सबको. नेक्स्ट assumption इज आप में और सूरज में आप ज्यादा सेंसिटिव और एग्रेसिव हो. मतलब आप कहना क्या चाहते हो. सेंसिटिव और एग्रेसिव ये तो दो अलग बातें हो गई है ना. सो दिस assumption इज हाफ ट्रू एंड हाफ नॉट ट्रू बिकॉज आई फील कि मैं बहुत ज्यादा ही डीप में सोचती हूँ ओवर थिंकिंग करती हूँ विच नॉर्मली लड़कियां करती हैं. एंड बहुत जल्दी रो भी देती हूँ. बहुत इमोशनल हूँ सेंसिटिव हूँ मैं बातों को लेकर. थोड़ा सा भी मुझे
अगर सनशाइन बोल देते तो मुझे पता नहीं बहुत ज्यादा रोना आता है. एंड ऑफकोर्स सनशाइन इज नॉट दैट, मतलब उनका रोने वाला इमोशन ज्यादा नहीं है, विच इज ग्रेट. आई नेवर वॉन्ट कि कभी भी वो रोए भी. तो यस, सिर्फ रोने से ही सेंसिटिविटी हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं. एग्रेसिव तो मैं ज्यादा नहीं हूँ, तो आप समझ सकते हो कौन है. ओके, सो आई एम गोइंग टू टेक द लास्ट अजम्पशन. इट्स बाय संध्या. योर फ्रेंड ज्योति एंड यू आर नो मोर फ्रेंड्स नाउ. सो दिस अजम्पशन इज 2000% नॉट ट्रू. इट इज अ फॉल्स अजम्पशन. वी आर स्टिल फ्रेंड्स. देखो अब हम लोग ज्यादा मिलते नहीं है बिकॉज आई एम मैरिड. शी इज इन सम अदर कंट्री नाउ फॉर हर एजुकेशनल पर्पज. आई नो आपने ये क्यों अज्यूम किया होगा, बिकॉज आई नो हू शेयर पोस्ट और फोटोज विद हर, बिकॉज वी डोंट मीट अलॉट. इनफैक्ट वी डोंट मीट, बट स्टिल वी वीडियो कॉल टू ईच अदर. लाइक लास्ट टाइम वी डिड एंड वी स्पोक फॉर 1.5 hours एंड ओ माई गॉड, लाइक वी डिड इवन रियलाइज कि हमने इतने 1.5 घंटे बात कर लिए हैं. सो इट वॉज अ लवली talk with her. So yeah, this assumption is not true that we are not friends anymore. We are still friends and we will always be forever. So yes guys, that was the last assumption. I hope aap sabne ye video enjoy kiya and mujhe to bahut maza aaya. So yes, agar aapne enjoy kiya to please is video ko dher sara like kar dena and do share it with your friends and family. All the product links are in description box below. And yes, thank you so much for watching. I love you all so much. Bye.